ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम हमारे शरीर के दो मुख्य अंगों के अपसेट यानी कि इनके ठीक से काम ना करने के विषय में बात करने जा रहे हैं। एक है यकृत यानी कि लीवर, दूसरा है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। ये दो अंग ऐसे हैं जो हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं और कई बार ये दोनों ठीक से काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इनका एक छोटा सा कारण होता है, लेकिन हम कई बार उन कारणों को ना समझकर हम उनकी कुछ और तरीके से जब चिकित्सा करने जाते हैं तो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। होता क्या है मित्रों? हमारे जीवन में सुबह से शाम तक, सुबह से दूसरी सुबह तक कहें, जब हमारे 24 घंटे होते हैं, बहुत सारा घटनाक्रम चलता है, बहुत कुछ होता है जिससे हम कई बार फालतू में परेशान हो जाते हैं। मैं फालतू में इसलिए कहूँगी क्योंकि परेशान होने का कोई कारण बनता नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण, हमारी प्रसन्नता से अधिक महत्वपूर्ण इस संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जरा जरा सी बात पर, थोड़ी थोड़ी सी किंचित जैसे जिसमें कुछ भी नहीं है, ऐसी बातों पर भी हम उदास और निराश होकर बैठ जाते हैं। उसमें जीवन की कोई बड़ी हानि नहीं है। जैसे मसलन आपको बताऊं, कभी आज खाने में नमक कम है, अरे यार खाने में नमक कम था, मज़ा नहीं आया, उसी में उदास होकर बैठ गए। अरे गाड़ी पंचर हो गई, कैसे पहुँचूँ, काम बिगड़ गया। मतलब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर लोग इनसे परेशान हो जाते हैं। और मित्रों, ये छोटी छोटी जो परेशानियाँ होती हैं ना, ये यहाँ आपके दिमाग में कुछ बनाती हैं, कुछ निर्माण करती हैं, जिससे आपका दिमाग जो है संकुचित होने लगता है। इसका मतलब सीधा सा आपको बताऊं कि आप एक बात नोटिस करिए, जब आप प्रसन्न हैं, हंस के ठीक से, मतलब अच्छी अपनी पूरी अंदर से जब खिलखिला के हंसते हैं, उस समय आप अपने अंगों को महसूस करिए, अपने सभी अंगों को महसूस करिए कि किस तरह आपका हर अंग खिलखिला रहा है, आनंदित है, उत्साहित है। लेकिन जब आप जरा से तनाव में आते हैं, जरा सी बात सोचते हैं, जरा सा बच्चे ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, तब आप उसी समय अपने दिमाग को महसूस करिए। आप कर पाएंगे? आपके दिमाग में सब कुछ ऐसे जकड़ता जा रहा है, और जब ये दिमाग जकड़ता है ना, तो उसी समय हमारा लीवर भी जकड़ता चला जाता है, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का वो अंग है जो हमेशा अपना काम करे तो देह विकसित होता है, और यदि वो काम ना करे तो हमारा देह पोषण नहीं पाता है। और ये दोनों ही हमारे विचारों के आधार पर चलते हैं। जब हमारे विचार कलुषित होते हैं, दूषित होते हैं, नकारात्मक होते हैं, कलुषित दूषित यानी कि नेगेटिव होते हैं, मतलब कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, तो मतलब नकारात्मक यानी नेगेटिव ही कह सकते हैं, सारी चीज़ें नेगेटिव में ही आती हैं, तो जब वो होते हैं तो हमारा संपूर्ण अंग जकड़ सा जाता है। आप देखेंगे, मैंने कई बार एक उदाहरण दिया है कि आपको सीधा बैठना है, अकड़ना नहीं है। आपको मैं अपने हाथ से दिखाऊं, ये मेरा हाथ है, सीधा है, देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आ रहा है कि सीधा है। लेकिन इसको मैं टाइट कर दूं, देखिए खड्डी कुछ अलग ढंग से दिखने रही है आपको। दोनों में अंतर महसूस करिए। आप अपने हाथ को करके देखिए, हाथ सीधा रखिए और उसको टाइट कर दीजिए, दोनों में आपको अंतर समझ में आएगा। वैसे जब गुस्सा होते हैं ना, हम ऐसे ही टाइट हो जाते हैं, गुस्से में जकड़न हो जाती है, जब जकड़ जाते हैं तो संपूर्ण देह हमारा ठीक से काम करना बंद कर देता है, जिसमें लीवर भी काम नहीं कर पाता, ब्रेन भी काम नहीं कर पाता। और ऐसी स्थिति में जब आपका ये अंग काम नहीं कर पाते हैं तो आपको लगता है कि डॉक्टर के पास जाया जाए, कुछ समाधान लिया जाए। डॉक्टर आपको नींद की गोलियाँ दे देता है, क्योंकि आपको ऐसी स्थिति में कई बार नींद नहीं आती है, और नींद की गोलियाँ यदि आपको दे दी गई, हल्की फुल्की भी जिसमें नशा हो, तो आपका लीवर और ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो ये गोलियाँ होती हैं जिनमें स्टेराइड होता है या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसमें नींद आती है, आलस आता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे जो औषधि दवाइयाँ हैं ये हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे हमारे अंग और बेकार हो जाते हैं, मतलब ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका लीवर और ब्रेन ठीक से काम करें, तो आपको एक काम करना होगा, आपको सबसे पहला आनंदित रहना सीखना होगा। जो होता है वो होता है, सबके साथ होता है, खाली आपके साथ नहीं हो रहा, तो
उस स्थिति में आप अपने आप को एक बात बताइए, अरे यार होता रहता है, छोड़ना, आगे बढ़। मित्रों, जिस दिन आप ये करना सीख जाएंगे, उस दिन आपका ब्रेन, आपका लीवर दोनों अच्छे से काम करना सीख जाएंगे। और साथ ही एक और तरीका है जिससे आपके दोनों अंग अच्छे से काम करेंगे। मित्रों, आजकल हम एक चीज़ देखते हैं, लोग स्नान करके बड़ा धीरे धीरे अपने अंगों को पोंछते हैं, ऐसे धीरे धीरे, बड़ा आराम से, मतलब उनको ऐसा लगता है कि कुछ चमड़ी वमड़ी छिल जाएगी, अब ऊपर वाले ने बड़ी कमज़ोर बनाई है, जरा सा जोर से पोंछ दिया तो रगड़, मतलब ये छिल जाएगी, निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। हमारी जो त्वचा है ना, वो ईश्वर ने बड़ी मजबूत बनाई है, ऊपर की जो परत है ना बड़ी अच्छी बनाई है। आप एक काम करिए, स्नान करने से पहले और स्नान करने के बाद दोनों ही समय आपको एक छोटा सा काम करना है। करना क्या है, अपने एक खुरदुरा तौलिया लीजिए जो एकदम अच्छे से आपके शरीर को स्क्रब दे सके, और उसको लेके ढंग से अपने शरीर पे स्नान करने से पहले एक बार ढंग से रगड़िए। आप देखेंगे कि आपका अंग अंग खुल रहा है, और उसके बाद स्नान कर लीजिए। इतना रगड़ना है कि आपके अंग अंग खुल जाएं, घाव हो जाए, इतना ना रगड़ें। उसके बाद स्नान कर लीजिए। स्नान करने में आप हो सके तो ठंडे जल का स्नान करें। ठंडे जल से जब स्नान करते हैं तो अपनी मस्तिष्क की सारी नसें और नाड़ियाँ खुल जाती हैं। और हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब सर्दियों में नदियों के स्नान कहे जाते हैं तो आप किसी भी मौसम में नदी ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं। पर आप कमज़ोर हैं, रोगी हैं, तो थोड़ा अलग विषय बन जाता है, पर एक स्वस्थ व्यक्ति को तो ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आप स्नान करने के बाद पुनः उसी तरीके से तौलिए से रगड़िए और अपने अंगों को साफ करिए, यानी अपने अंगों को जागृत करिए। फिर आप देखिए कि आपका लीवर, आपका ब्रेन किस तरह मजबूती से काम करता है। आप देखेंगे, आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं ये सारी बातें बता रही हूँ, पर हाँ आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा। और साथ ही सहारा लेना है, आपको खुश रहना सीखना, आपके काम नहीं हो पा रहे हैं, आप एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वीडियो के विवरण में हमने नियम पालन, प्राणायाम और व्यायाम के वीडियोस दे रखे हैं जो आपके तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों को ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं। आपको अपने रोग अनुसार वीडियो नहीं मिल रहा है तो हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस देखिए, और फिर भी ना मिले तो वीडियो पर टिप्पणी करिए, आपको उत्तर जल्दी मिल जाएगा। और कोई निजी प्रश्न आपको करना है तो वीडियो विवरण में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे फेसबुक पेज स्वास्थ्य रक्षा के लिंक दे रखी है, आप वहाँ भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।